करके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। चिटफंड मामले में फंसे अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और मामले की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की संयुक्त बेंच में सुनवाई हुई। बता दें, चिटफंड कंपनी मामले में अंबिकापुर जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां से याचिका खारिज कर दी गई। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अभिषेक सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और विवेक शर्मा ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवेक शर्मा ने बताया कि चिटफंड कंपनी घोटाले से जुड़े मामले में हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी। स्टे नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां कोर्ट ने नो कोरेसिव स्टेप के आदेश दिए हैं। और अब खबर आपको बता दें, गाजीपुर